खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आईसीटी की क्लास के अंतर्गत आज हम लोग की क्लास इंटरनेट और ईमेल से रहेगी। जैसा कि आप जानते होंगे आईसीटी का मीनिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की क्लास हो चुकी है। आज की क्लास बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड जो है ईमेल रहेगा। इसके बाद की क्लास जो है जनरल टर्मिनोलॉजी की क्लास रहेगी। फिर ये आईसीटी का सेक्शन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जाम संबंधित इंपॉर्टेंट कंटेंट को जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं जो है इंटरनेट और ईमेल के विषय में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनेट क्या है। आप सब जानते होंगे विश्व में इंटरनेट के जनक विंड सेफ है, ये नाम याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1950 में हुआ था। भारत में इंटरनेट के जनक ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं ये, क्योंकि हाल में इनका भी निधन हुआ है, न्यूज में सुने होंगे आप। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड, आ चुका है ये प्रश्न, यानी BSNL के द्वारा हुआ था। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क है, जो कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का विश्व में सबसे बड़ा तंत्र होता है। विश्व का प्रथम पैकेट स्विचिंग नेटवर्क अपार्टमेंट जो है, या इसको ARPANET नेट कहते हैं, अमेरिका का है, जो विभिन्न विश्वविद्यालय तथा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों के सूचना को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बना था। एक बार एग्जाम में प्रश्न आ गया था कि सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुआ था, तो कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। और भारत में कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को ही भारत में मिड डे की शुरुआत हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुआ था। उसके पहले शुरुआत हुआ था लेकिन कच्चा था, और पका हुआ भोजन जो है 15 अगस्त 1995 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ, ये आप याद रखिएगा। और किस मंत्रालय में शुरू किया गया था वहाँ पे उसको, तो रक्षा मंत्रालय में अमेरिका ने इसको शुरू किया था, ठीक है। और भारत में किस कंपनी ने शुरू किया था, तो BSNL कंपनी ने शुरू किया था, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है NSFNET की शुरुआत हुई, इन दोनों की सीमा सीमित थी। इसके बाद इन दोनों को मिलाकर इंटरनेट की शुरुआत हुआ, यह इंटरनेट का इतिहास है। इसलिए इंटरनेट को सूचना राजपथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं, इंटरनेट को कहा जाता है, ठीक है। अब यहां देखेंगे किसी बड़े नेटवर्क के द्वारा निजी कंप्यूटर नेटवर्क के समूह को इंट्रानेट कहा जाता है। इंटरनेट इंट्रानेट में अंतर है, याद रखिएगा क्या अंतर है, कि किसी बड़े संगठन के द्वारा निजी कंप्यूटर नेटवर्क के समूह को इंट्रानेट कहा जाता है, जो कर्मचारियों के बीच ज्ञान डाटा आदि संचार की सुविधा जनक के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए बैंक का हुआ, LIC का हुआ, अन गवर्नमेंट संस्था का हुआ, वहां क्या चलता है, इंट्रानेट चलता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, यही है। अधिकतर इंटरनेट सेवा सर्वर या क्लाइंट मॉडल पर कार्य करती है, जो जब किसी कंप्यूटर फाइल को इंटरनेट भेज रहा होता है तो वह सर्वर की तरह बन जाता है, और जब कंप्यूटर फाइल प्राप्त कर रहा हो तो वह क्लाइंट्स के नाम से जाना जाता है। वाईफाई, लाईफाई, वाईमैक्स, ब्रॉडबैंड, डायल अप कनेक्शन आदि इंटरनेट कनेक्शन है, याद रखिएगा। पूछता है यह क्या है, या इनमें से कौन जो वेब ब्राउजर है, कौन इसमें से कनेक्शन है, इसे पूछा जाता है। कंप्यूटर का नेटवर्क एक बार देख लिया जाए, इसको भी अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। PAN अगर पूछे, PAN क्या है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, क्या होता है अभी आगे बताएंगे क्लास में। LAN क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। CAN कैंपस एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। WAN वाइल्ड एरिया नेटवर्क आप याद रखेंगे। PAN क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, कि जब नेटवर्क का प्रयोग एक कंप्यूटर द्वारा हो तो उसे PAN या पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे LAN लोकल एरिया नेटवर्क, जब नेटवर्क का प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने में हो तो उसे जो है लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। CAN कैंपस एरिया नेटवर्क किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक LAN जुड़कर एक साथ कार्य करे तो उसे जो है CAN कहा जाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क दो या दो से अधिक हो तो उसे कैंपस एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसे कहेंगे,
जब बड़े क्षेत्र जिला के सभी कंप्यूटर एक साथ जुड़े हों तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। WAN क्या है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क क्या है, जब MAN से भी बड़े क्षेत्र के कंप्यूटर एक साथ जुड़े हों तो उसे वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट का उपयोग, क्या उपयोग है इसको देखा जाए। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर, मॉडम, संचार माध्यम, वेब ब्राउजर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आदि की आवश्यकता होती है। कभी कभी इससे आसान प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट से संबंधित नहीं है, और चार सामग्री दे देगा, आपको छांटना रहेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडम। अब कुछ मॉडम क्या होता है, यानी इंटरनेट के लिए आप देख रहे होंगे ये यहाँ लिखा हुआ है मॉडम, संचार माध्यम, वेब ब्राउजर, ये लिखा हुआ है, तो ये सब के विषय हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर के विषय में इसके पहले की क्लास में हम लोग देख चुके हैं, पीढ़ी के अक्सर प्रश्न आते हैं। मॉडम उस लिंक को कहा जाता है जो कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। मॉडम के गति को BPS इंपॉर्टेंट है या बिट्स पर सेकेंड से मापा जाता है। मॉडल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट का संक्षिप्त रूप कहा जाता है, क्योंकि यह किसी डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग रूप में परिवर्तित कर देता है, तथा जो सूचना एनालॉग रूप में हो तथा जो सूचना एनालॉग रूप में इसे मिलता है उसे यह डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है, डीमॉड्यूलेट करके, ठीक है। तो इसका मॉडर्न का काम है। वेब ब्राउजर क्या होता है, इसे इंटरनेट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका उपयोग किसी पेज पर लोकेशन का पता टाइप करके करते हैं, इस पता को URL के नाम से भी जाना जाता है। URL पूछा हुआ है का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL से टूल्स और इंटरनेट पता की जानकारी होती है, जैसे URL HTTP और www.mohankumar.com। अब इसमें देखिएगा कौन सा जो होगा, अब जैसे देखिएगा URL में है HTTP और जो है www.mohankumar.com, ठीक है। तो उपरोक्त में इंटरनेट पता के रूप में WLL जो www.mohankumar.com को यू है, ठीक है, यानी कह सकते हैं इंटरनेट का पता ये है, ठीक है। और URL पूछेगा तो क्या है, URL ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। इसका उपयोग वेब पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वेब ब्राउजर के अंतर्गत गूगल क्रोम, ये नाम पूरा याद रखिएगा, सफारी, ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, NCS, एमोजैक, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेट स्कोप नेविगेटर है, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन वेब ब्राउजर है या कौन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा वेबसाइट, वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है, ठीक है। वेबसाइट में वेब पेज में अलग अलग तरह की जानकारी होती है जिसमें सभी पेज आपस में जुड़े होते हैं। वेबसाइट पर प्रथम पेज को होम पेज के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली वेबसाइटों में गूगल, फेसबुक, अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या होता है इसको देख लीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब का विकास टिम बर्नर्स-ली, आ चुका है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर आता रहता है ये, टिम बर्नर्स द्वारा 1979 में किया गया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हाइपर टेक्स्ट व मल्टीमीडिया को मिलाकर चलने वाला एक इंटरनेट सर्वर है। वर्ल्ड वाइड वेब एक बड़े सूचनाओं या ज्ञान का संग्रह है जिसका हर सूचना एक दूसरी सूचना से जुड़ा रहता है। सर्च इंजन, क्या है, अब इसी में से नाम दे देगा, पूछेगा इनसे क्या है, ठीक है, या क्या नहीं है, दोनों से पूछ सकता है। सर्च इंजन इंटरनेट पर किसी सूचना को ढूंढने के लिए एक तरह का प्रोग्राम होता है। यह एक तरह की वेबसाइट होती है जिसके सर्च बार में किसी टॉपिक को लिखने से उस लिखे हुए टॉपिक से संबंधित सभी जानकारी को प्रदर्शित कर देता है, जैसे गूगल, बिग, याहू, हॉटबॉट, अल्टाविस्टा और ल्यूकोस आदि। डोमेन नेम, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट में जुड़े किसी कंप्यूटर को पहचानने और उसकी दिशा जानने की अद्वितीय साधन डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम किस इस बुक में
एक से छह यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। चार बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी एक से छह यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल चार बुक और एक ओमार के बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बायलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह। इसी वेबसाइट का नाम होता है, यदि इंटरनेट ब्राउजर में किसी वेबसाइट का डोमेन नाम लिखते हैं तो डोमेन नेम सर्वर द्वारा IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में परिवर्तित होकर संबंधित वेबसाइट को मिल जाता है। IP एड्रेस की तुलना यदि डोमेन नेम से की जाए तो डोमेन नेम को पढ़ने व याद करने में आसानी होती है। डोमेन नेम को डॉट बिंदी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ गए होंगे डोमेन नेम किसे कहते हैं। जैसे reliance.com, यहाँ देखेंगे आप reliance.com में डॉट या बिंदु के दाएं भाग में, यानी ये चीज जो है यह सामान्य भाग कहलाता है। reliance.com में डाटा या बिंदु के बाएं भाग को विशेष भाग के नाम से जाना जाता है, यानी ये विशेष भाग हो गया, ये सामान्य भाग हो गया। जैसे विशेष भाग रिलायंस और सामान्य भाग कॉम होगा, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। सामान्य भाग को डोमेन नेम कहते हैं, जैसे .com, यानी पीछे वाला इसके बाद वाला जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। डोमेन नेम को भारत व विश्व में पंजीकरण करने वाली अलग अलग कंपनियां होती हैं। यहां से प्रश्न उठा सकता है, ये नया है। जैसे भारत के कंपनी के अंतर्गत जो है गो डैडी जो है बिग रॉक ब्लू हॉस्ट यानी भारत की कंपनी है जो पंजीकृत करती है रजिस्टर्ड करती है डोमेन नेम को, ठीक है। डोमेन नेम को विश्व में पंजीकृत करने वाली कंपनी का नाम ICANN है, जो अमेरिका की कंपनी है। अब देखेंगे यहां से प्रश्न आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एजुकेशन या शिक्षा से संबंधित डोमेन नेम है, या सीधे आप दे देगा कि डॉट ऐसे दे देगा .edu किससे संबंधित है, या .org किससे संबंधित है। ये चार ऑप्शन दे देगा, व्यापारिक, नौकरी, ऑर्गेनाइजेशन, सैनिक। तो आप क्या देंगे, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसलिए इसको एक नजर में जरूर देख लीजिएगा। और कोशिश किया गया, सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट को शामिल कर दिया गया, और जो भी एग्जाम आते हैं आप देखेंगे सभी एग्जाम में सब काम आएंगे, जनरल चीजें हैं। .com अगर देगा अगर कहीं डोमेन नेम, आप समझ गया ना, जैसे माले लिखा हो www.xxx.com, ठीक है, तो ये लास्ट वाला क्या होगा जो है डोमेन नेम होता है। और इसी के नाम पे जैसे edu, तो डोमेन नेम में ये एजुकेशन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ये ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में इत्यादि होता रहता है, ठीक है। इस क्लास को देखने के बाद जो आप जो है क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं, हर क्लास पे हर PDF पे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आप उसको क्वेश्चन को जब देखेंगे क्लास के बाद तो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो लोग ने भी इस बुक को मंगवाया है, जो बुक हम लोग क्या है जो दिया गया है, तो इसको जो है ओमार शीट दिया गया था, तो हर चैप्टर को इसको भर के आप लोग फोटो खींच के जो है व्हाट्सअप आप लोग कर दीजिए इसको, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो लोग फॉलो करते हैं हमारे क्लास को, मुझे फॉलो करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, तो इस चीज़ को जरूर करिए ताकि समय के साथ आपको कुछ ही बताया जाए। देखिए आप हमेशा अपने विषय में सोचिए कि सर अगर आपके विषय में कुछ कर रहे हो, आपका लाभ हो, तो जरूर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे .com क्या है व्यापारिक क्षेत्र में, .job क्या है नौकरी के क्षेत्र में, .org क्या है ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में, .mil सैनिक के क्षेत्र में, .gov सरकारी क्षेत्र में, .edu शैक्षिक क्षेत्र में, .net नेटवर्क के क्षेत्र में, .biz बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में, .in भारत, इन पूछेगा तो भारत, .uk रहेगा तो यूनाइटेड किंगडम, .fr रहेगा तो फ्रांस, .jp रहेगा तो जापान, और .au रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से पूछा जाता है, याद रखिएगा। हम लोग देखने जा रहे हैं टेलनेट क्या होगा। टेलनेट जैसे आप देखे होंगे कि कुछ दूर आप कहीं से कंप्यूटर खरीदें और या सॉफ्टवेयर लिए और आपके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, और नोएडा में बैठा इंजीनियर या बेंगलोर में बैठा इंजीनियर क्या कहता है,
कि आप जो है ये सॉफ्टवेयर खोलिए अपने कंप्यूटर में और एक पासवर्ड उसमें दिख रहा होगा, वो पासवर्ड दीजिए। तो उसे आप पासवर्ड देंगे तो वहीं बैठे बैठे वो आपके स्क्रीन को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। यानी माउस वो यहाँ आपका स्क्रीन उसके कंप्यूटर पर दिखने लगेगा और वो क्या करेगा, वहीं से बैठे बैठे आपके सॉफ्टवेयर को सही कर देगा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, टेलनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बनती है, मानक परिभाषा। मानक थोड़ा लेट में समझ में आता है। टेलनेट एक समूह, एक तरह के उस प्रोग्राम को कहते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से कितना भी दूर स्थित कंप्यूटर हो नियंत्रित किया जा सकता है। सामान्यतः इसे रिमोट लॉगिन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे एनीडेक्स, टीम व्यूवर आदि, आप देखे भी होंगे जो लोग यूज करते हैं। टेलनेट का प्रयोग अधिकतर सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग या सीखने के लिए किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब लोग जानते होंगे लगभग मेरे ख्याल से, इसकी मानक परिभाषा देखते हैं। इंटरनेट द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति यदि आपस में ठीक वैसे ही बातचीत करें जैसे वे आमने सामने बैठे हों, इसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है, जैसे जूम प्रोग्राम, वीडियो मीटिंग आदि द्वारा, ठीक है। स्पैम बिल्कुल आसान है, इसे पूछता है, कई बार पूछा हुआ है, नोट कर लीजिएगा ये। स्पैम किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अवांछित ईमेल भेजने को स्पैम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक एक चीज जो पूछता है, एक एक पेज हमने कर दिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ई कॉमर्स देखेंगे, ई कॉमर्स इंटरनेट से संबंधित व्यापार जो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है उसे कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापारिक गतिविधियों, सूचनाओं का आदान प्रदान, धनराशि का लेन देन आदि भी शामिल है। जब ई कॉमर्स कंप्यूटर पर न होकर मोबाइल टैबलेट के माध्यम से हो तो उसे यम कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। सेम चीज़ जब मोबाइल में हो तो क्या बोलेंगे, मोबाइल से करेंगे तो यम कॉमर्स, और उस तरह कंप्यूटर से तो क्या कहेंगे जो है ई कॉमर्स, मोबाइल और टैबलेट दोनों में आ जाएगा वो। ई शॉपिंग देखिएगा, ई शॉपिंग किसे कहेंगे, ई शॉपिंग के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने जरूरत के सामानों को खरीदता है और सामान की कीमत कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से कर सकता है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो से शॉपिंग करना आदि। जैसे हमारी बुक को आप लोग लेते हैं अमेजन के माध्यम से और पेमेंट करते हैं, या बुक आने पेमेंट करते हैं, तो वो जो होगा इसे ई शॉपिंग कहेंगे, ठीक है। और ई कॉमर्स क्या होगा, ये लेन देन जब हम लोग करेंगे तो इसे ई कॉमर्स करेंगे। इससे मिलता जुलता एक और नाम देखेंगे आप, ई लर्निंग, ठीक है। ई लर्निंग आप समझ जाएंगे, ऑनलाइन शिक्षण को ई लर्निंग के नाम से जाना जाता है। जो आप शिक्षण इसमें ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, ये क्या है, ई लर्निंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आसान है। बग भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि का वर्णन करने के लिए बग का प्रयोग करते हैं, वह इसे हटाने के लिए डिबगिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होता है ये भी देखेंगे, फिर इसको हम बता दे रहे हैं फिर करिएगा। जैसे कोई फाइल को फाइल किस टाइप की है तो लास्ट में लिखा रहता है, जैसे आप देखेंगे, आप सुने होंगे अक्सर MP3, तो MP3 सुनेंगे या देखेंगे जहाँ लिखा है MP3 आप समझ जाएंगे ऑडियो फाइल है MP3। जैसे आप ऐसे देखेंगे ये फेमस नाम है, जैसे AVI क्या है, ये वीडियो फाइल है, ठीक है। जैसे JPG क्या है, इमेज फाइल है। तो ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन इमेज फाइल का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो इसमें से तीन दे देगा और एक ऊपर नीचे डाल देगा, या निम्नलिखित में से कौन वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, या निम्नलिखित में से कौन ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है या नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन क्रमशः वीडियो, इमेज, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, और तीन तीन करके चार ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसको, अब ध्यान से समझेंगे। कंप्यूटर में फाइलों को पहचानने के लिए एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है, जैसे वीडियो का फाइल एक्सटेंशन में MPEG, AVI, MPG, MP4, 3GB, FLV, VOV आदि है, ठीक है। याद रखिएगा, वीडियो में भी है और MP4 ऑडियो में भी होता है। इमेज फाइल एक्सटेंशन क्या है, इमेज फाइल के अंतर्गत JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF, PSD, DDS आदि। ऑडियो फाइल एक्सटेंशन में देखेंगे MP3, इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। 1 मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर्स से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का YouTube पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। MP4,
वेव, मीडी, एआईजे, रा, डब्ल्यूपीएल आदि। नेक्स्ट देखेंगे आईपी एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस सीधे पूछा हुआ था, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस चार संख्याओं का समूह होता है जो बिंदु या डाटा के माध्यम से अलग होता है, ठीक है, यही समझ में आ जाएगा आपको। आईपी एड्रेस में चार संख्याओं के समूह में प्रथम दो बाएं समूह को आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। आईपी एड्रेस में चार संख्याओं के समूह में दाएं से दो समूह को नोड एड्रेस कहते हैं। यहां देखिएगा स्पष्ट रूप से दिया गया है, जैसे एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, ठीक है। अब यहां से बिंदी अगर ले लें तो इस बिंदी को इधर वाले को आईपी एड्रेस कहेंगे, ठीक है, और इधर वाले को दो समूह को क्या बोलेंगे, नोड, जैसे यहां लिखा हुआ है, यानी 431.70 ये को आईपी एड्रेस और 92.658 को नोड एड्रेस के नाम से जाना जाता है। वायरस, वायरस क्या है भाई, कई लोग अपने मोबाइल में, कुछ लोग पसंद नहीं होते हैं तो उनको उनका नाम सेव करते हैं वायरस, या उनका नाम सेव करते हैं कोरोना, ठीक है। अगर भी क्या लोग कॉलिंग करके चेक करें तो नाम उसका आ जाता है, ठीक है। वायरस क्या होता है देखा जाए, आप जानते होंगे वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ उससे मतलब नहीं है, बायोलॉजी से क्लास मतलब नहीं है। वायरस क्या है, वायरस में, कंप्यूटर में वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट डाउनलोड एक्सेस कंप्यूटर में बाहरी मेमोरी से कॉपी पेस्ट करने पर आ जाता है, यानी एक तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है वायरस, याद रखिएगा ऐसे। वायरस क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम को बिगाड़ देता है, ठीक है। इसमें देखेंगे यह कंप्यूटर पे के ऑपरेटिंग में बाधक होता है, इसके कारण कंप्यूटर की गति धीमा या किसी फाइल का बार बार कॉपी दिखना या ऑटो रिस्टार्ट जैसा समस्या होता है। विश्व में प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन है, याद रखिएगा सी ब्रेन जो है पूरे विश्व का प्रथम कंप्यूटर वायरस है। भारत में प्रथम कंप्यूटर वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है, नाम याद रखिएगा, आ चुका है कई बार, आ सकता है दोबारा। भारत में प्रथम कंप्यूटर वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है। वायरस के अन्य प्रकार में मंकी वायरस, क्रीपर वायरस, वन हॉप वायरस, माइकल एंग्लो आदि है। नोट, कंप्यूटर नेटवर्क से गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति का सूचना को लेने वाले को हैकर कहा जाता है, परंतु यदि यह सूचना विशेष गोपनीय बैंक आदि का हो तो उसे जो है फिशिंग स्कैम कहा जाता है। वेब पेज को बुकमार्क करने से उसे बार बार खोलने में लगे समय से बचा जा सकता है। आप जानते होंगे बुकमार्क साइड में होता है और क्लिक कर देंगे किसी पेज को तो बार बार खोलना नहीं पड़ेगा, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का आपको खोलना हो तो उसको बुकमार्क कर देंगे तो बार बार जो है उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा, तुरंत आ जाएगा। ईमेल का आधारभूत ज्ञान याद रखेंगे, विश्व में ईमेल के जनक आर टॉमिलसन है, ये भी नाम इनका याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आते हैं। भारत में ईमेल के जनक सबीर भाटिया हैं, ये भी याद रखिएगा, जो 1996 में हॉटमेल के माध्यम से ईमेल को प्रदर्शित किया था। ईमेल का आधिकारिक रूप से खोजकर्ता वीएस शिवा अयदुरई को कहा जाता है, ये भी नोट करेंगे आप। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। किसी एक व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर में इंटरनेट का प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना जाता है। ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं जिसे एटरेट चिन्ह द्वारा दो भागों में अलग अलग किया जाता है। चिन्ह एटरेट के बाएं भाग को यूजर नेम कहते हैं और यूजर नेम को लिखने में कहीं भी स्पेस नहीं दिया जाता है। चिन्ह एटरेट के दाएं भाग को डोमेन नेम कहा जाता है, जैसे मान लीजिए जैसे नाम रहे आदित्य क्लासेस रहे, ये स्पेस नहीं होगा, ठीक है, और डॉट जो है ऐसे कर दे .com कर दें, तो इधर को क्या बोलेंगे, इधर को दोनों को एक और बोलेंगे हम यूजर नेम, एक और बोलेंगे डोमेन नेम, जो हम लोग का नाम रहेगा क्या रहेगा, यूजर करने वाले का नाम रहेगा तो यूजर नेम, और उधर वाले को डोमेन नेम, आप पढ़ चुके हैं। ईमेल में स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा ईमेल में क्या पूछता है अक्सर प्रश्न, अभी इसके आगे वाले पेज में आएगा। ईमेल में फोटो फाइल, ध्वनि रिकॉर्ड आदि भेजना अटैचमेंट कहलाता है। ईमेल की सुविधा को देने वाली कंपनियों के अंतर्गत जीमेल, याहू मेल, आउटलुक आदि का नाम आता है। संदेश को पहुंचाने में ईमेल समय की बचत व डाकघर में अनावश्यक भीड़ को कम करता है। ईमेल का प्रयोग करते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जिसे प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसी भी ईमेल के माध्यम से विश्वसनीयता सुरक्षित करने के साथ साथ वह सुविधाजनक, किफायती तथा उसकी गति
तीव्र होती है। कंप्यूटर में ईमेल लिखने का फॉर्मेट फील्ड का वर्णन निम्नलिखित में किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा कि ये फॉर्मेट फील्ड पूछता है कभी कभी। अब इसमें कुल आप देखेंगे तो आपको कुल ये 10 फील्ड दिखाई देगा, ठीक है। ये अधिक होने के कारण इंग्लिश इस पेज में कर दिए हैं। 10 फील्ड में पूछता है कभी कभी, जैसे डेट, आप इसमें आप क्या तिथि लिखते हैं। दूसरा क्रम में क्या आता है, फॉर्म आता है, यानी फ्रॉम संदेश भेजने वाला का पता ईमेल के रूप में, फ्रॉम। टू में संदेश प्राप्त करने वाले का पता ईमेल के रूप में, तो आसान है, जान रहे होंगे। सब्जेक्ट में ईमेल भेजने वाले का संक्षिप्त में उद्देश्य, सीसी, ये दोनों आप याद रखिएगा, ये आप थोड़ा जानेंगे, बाकी कॉमन चीज तो सब लोग जानते होंगे। सीसी में क्या होता है, इस ईमेल का कार्बन कॉपी जिन्हें हम देना चाहें तो जो है लक्षित प्राप्तकर्ता नहीं है, अर्थात कार्बन कॉपी की लिस्ट ईमेल रिसीव करने वाले को पता चल जाता है कि ईमेल इनको किए और हमारे साथ साथ ये किन किन लोगों को ये ईमेल कर चुके हैं, हमारे ग्रुप में या हमारे टीम में कितने लोगों को ईमेल जा चुका है, वो किससे जाएगा, सीसी के माध्यम से। बीसीसी में ये इसका थोड़ा उल्टा होता है कि ब्लैक कार्बन कॉपी में वे लोग जिनको आपने ईमेल भेजा है उसे ये ना पता चले कि ईमेल किस और को भेजा गया है, बीसीसी में रिप्लाई भी छुप जाता है, ठीक है। यानी बीसीसी में डालेंगे तो जिसको हम ईमेल कर रहे हैं उनको नहीं मालूम चलेगा कि इसकी कार्बन कॉपी किसे किसे दी जा रही है, ठीक है, और इसमें रिप्लाई भी छुप जाता है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त 6 पंक्तियों को ईमेल हेडर के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहेंगे, ईमेल हेडर के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ है प्रश्न, आप सोच रहे होंगे सर बार बार कहते हैं पूछा हुआ है, ये तो कैसे जानते हैं सर, इतने सालों से, वर्षों से हम लोग भी दशकों से पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद एक मेरी आदत रहती है कि मैं सॉल्वर्ड हल कराता हूँ, याद रखिएगा, चाहे कोई भी वनडे एग्जामिनेशन का बैच लेता हूँ तो उसमें लास्ट में जरूर सॉल्वर्ड हल कराता हूँ, ताकि जो हम लोग 3-4 महीने से बच्चों को क्लास ले रहे हैं तो वो किसी एग्जाम में दें तो उनको मालूम चले कि सर ने पढ़ाया है तो क्या आ रहा है कि नहीं, या पढ़ाते समय हमने कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं कि जो हमने छोड़ दिया है। इसलिए जो सॉल्वर को हर बैच में, मुझे याद है वनडे बैच में ऑफलाइन क्लास में हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व कराते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि हम लोग को मालूम चल जाता है कि हर क्षेत्र में जीएस सेक्शन में कहां कहां से प्रश्न कितनी बार पूछा हुआ है। और ये आप भी महसूस कर रहे होंगे, अगर कहीं पढ़ाते होंगे, सॉल्वर हल कराते होंगे, या कोई विषय के आप एक्सपर्ट होंगे तो आप तुरंत बच्चों को ट्रिक, आपको कॉपी दे, ट्रिक लगा देंगे बुक को, ये हाँ ये पढ़ लो, ये हाँ प्रश्न आते हैं पूछे जाते हैं, ये इससे नहीं पूछे जाते, यहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सीधी सी बात है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसको पढ़ लीजिए, उसको ध्यान जरूर दिया करिए, ऐसा नहीं कि सबको कहते हैं। यानी उपरोक्त 6 पंक्तियों को ईमेल या हेडर के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, हेडर, ठीक है, अर्थात ईमेल हेडर वह भाग होता है जिसमें मेल के स्रोत, विषय, प्रेषक, प्राप्तकर्ता के बारे में जानकारी होती है। प्रश्न क्या आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ईमेल हेडर का भाग नहीं है, और इसमें से 3 दे दे और एक कुछ और नाम दे दे, तो आपको छांटना होगा कि ईमेल हेडर ये नहीं है। अब देखते हैं इंग्लिश वर्जन, यहां देख लीजिएगा। अब देखिएगा यहां 7वां, ग्रीटिंग या सॉल्यूशन, इसमें अभिवादन लिखा जाता है, याद रखिएगा। मैसेज एंड टेक्स्ट, इसमें ईमेल का पूर्ण संदेश लिखा जाता है। अटैचमेंट बताए थे, इसमें फाइल, फोटो, ध्वनि, ग्राफ आदि को जोड़कर भेजा जाता है। सिग्नेचर, इसमें भेजने वाले का हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम, पदवी, भौतिक पता, मोबाइल नंबर आदि होता है जो ईमेल संदेश का अंतिम भाग होता है। किसी प्राप्त ईमेल को अन्य व्यक्ति के पास भेजना फॉरवर्ड कहलाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, जैसे अभी आप लोग व्हाट्सएप में भी कोई चीज भेजते हैं किसी और को तो क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। प्रेषककर्ता द्वारा भेजा गया सभी ईमेल का अस्थाई ड्राफ्ट में देखा जा सकता है, ठीक है। आपने कोई चीज भेजा तो वो अस्थाई है, अस्थाई है या नहीं गया है, डाउट है तो ड्राफ्ट में देखेंगे, या चला गया है तो किस में देखेंगे, सेंड में देखेंगे, जनरल चीज आप जानते होंगे। ईमेल का पता कैश सेंसिटिव नहीं होता, ये पूछा हुआ है, आईएमपी याद रखिएगा। ईमेल का पता केस सेंसिटिव नहीं होता है। ईमेल में केवल अक्षर, नंबर, पूर्ण विराम, बिंदी तथा एट्रेट का प्रयोग किया जाता है, इन 4-5 चीजों का प्रयोग किया जाता है। ईमेल हैकिंग, नाम जानते होंगे आप लोग, जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर से इंटरनेट के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से हानि पहुंचाता है तो उसे हैकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन जब यही हैकर किसी व्यक्ति का गोपनीय दस्तावेज, बैंक पासवर्ड आदि को प्राप्त करे या प्राप्त करने की कोशिश करे तो इसे पीसिंग स्पैम के नाम से जाना जाता है। जैसे लोग फोन करते हैं कुछ लोग और कहते हैं लोग कि मैं यहाँ कर्मचारी बोल रहा हूँ, ऑफिसर अधिकारी बोल रहा हूँ बैंक का, आपका ये नाम है, ये चीज़ है और डिटेल जानकारी हमें दीजिए, कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, पीसिंग स्कैम के नाम से आ जाएगा, और बाकी डेटा लेना चाहे तो ईमेल हैकिंग। अब देखेंगे
ईमेल हैकिंग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। ईमेल हैकिंग कैसे करते हैं? पहला स्पैमिंग, ठीक है, जब कोई बिना अनुरोध के अपना विज्ञापन ईमेल खाताधारक को भेजने लगे तो इसे स्पैमिंग कहते हैं। स्पैमिंग को ही अनसॉलिसिटेड बल्क या ईमेल या जंक मेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सॉलिसिटेड बल्क के नाम से भी स्पैमिंग को जाना जाता है। फार्मिंग देखिएगा, जब हैकर द्वारा किसी आधिकारिक वेबसाइट जैसा बनाकर ईमेल उपयोगकर्ता को हानि पहुंचाए तो इसे फार्मिंग कहते हैं। वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो किसी ईमेल में दुर्भावना की वजह से एक स्क्रिप्ट के रूप में होता है। इसमें कंप्यूटर डाटा नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। स्पाइवेयर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है ये पेगासस स्पाइवेयर का नाम बहुत ज्यादा आया। किसी भी उपयोगकर्ता के कंप्यूटर और मोबाइल आदि की गतिविधियों को जानने के लिए, जासूसी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जैसे पेगासस स्पाइवेयर। इसे इजराइल देश द्वारा विकसित किया गया था। हाल में ही आप न्यूज में सुने होंगे कि एक पार्टी ने कहा कि हमारी विपक्षी पार्टी जो है हम लोग की जासूसी करा रही है, और जासूसी किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो याद रखिएगा पेगासस स्पाइवेयर के माध्यम से। आपके एग्जाम में क्या आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जासूसी करने से संबंधित है, जो हाल में ही चर्चा रहा है, क्या नाम देंगे पेगासस स्पाइवेयर। स्प्लैग क्या होता है? लगातार स्पैमिंग करना जब तक उपयोगकर्ता का सिस्टम न खराब हो जाए उसे स्प्लैग के नाम से जाना जाता है। फिशिंग देखेंगे, फिशिंग कोई हैकर उपयोगकर्ता को विश्वास में लेकर उसके व्यक्तिगत पहचान संबंधित जानकारी प्राप्त करता है या प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसे फिशिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विशिंग मिलता जुलता नाम है, देखिएगा फिशिंग के बाद क्या है, विशिंग। लेकिन जब हैकर कॉल के माध्यम से किसी कंपनी, बैंक आदि का आधिकारिक कर्मचारी बनकर उपयोगकर्ता की निजी जानकारी प्राप्त करे तो इसे जो है तो इसे विशिंग कहा जाता है, ठीक है, इसकी मात्रा देख लीजिएगा। और लेकिन जब हैकर SMS के जरिए फोन को हैक या हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे स्मिकिंग कहा जाता है, ठीक है। ये क्लास आपको अच्छा लगे, नेक्स्ट क्लास में टर्मिनोलॉजी की रहेगी, तो आप जो है इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। 1 मॉडल पेपर में 30 प्रश्न हैं, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का YouTube पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 OMR K बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है। जो प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस PDF5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल्वर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।